सभी को नमस्कार। मैं बियानी एजुकेशन ग्रुप की सेक्रेटरी डॉक्टर संगीता मनोज बियानी आज ऐसे ही ऑफिस में बैठी तो एक नन्हे से स्टूडेंट के साथ में उसकी दादी और पापा मेरे पास आए। बातों बातों में कह गए कि आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। बच्चे ही है, बच्चे आखिर बच्चे ही है, बच्चे तो नटखट होते ही हैं। हमारे पास समय की कमी या फिर हम बच्चों को कुछ ज्यादा ही कंफर्ट जोन में रखते हैं, इसलिए बच्चे जिद्दी बनते जा रहे हैं। उन्हें पता होता है रोना चिल्लाना जिद करना, ऐसे करने से हमारी कोई भी जिद पूरी हो जाती है। धीरे धीरे यह उनकी आदत सी बन जाती है। पर हर आदत हर जिद पूरी करना बच्चों के विकास के हेतु सही है, क्योंकि आगे जाकर बच्चे की अगर जिद पूरी नहीं होता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो एक आक्रामक स्टूडेंट बनता है, एक गुस्से वाला स्टूडेंट बनता है, जो किसी की जल्दी नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है। बच्चों को सहनशीलता का पठन बचपन से ही कराना चाहिए और अपने बच्चों को समय भी देना बहुत जरूरी है, जो कि आज के बच्चे बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा सवाल उनके मन में होते हैं। वो अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं, बहुत सवाल पूछना चाहते हैं और पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है। जब बच्चों को पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं, कुछ ही समय के लिए वो आपके पास होते हैं, एक महीने की छुट्टी होती है दीपावली की या समर की, तो आप बच्चों को लेके थोड़ा समय दीजिए। खाना खाते समय लगे तो बात कीजिएगा, मेडिटेशन करने के माध्यम से आप उनसे जुड़े रहने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी समय के लिए अपना मोबाइल जो है थोड़ा सा अपने से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आजकल पेरेंट्स तो बिजी काम में है ही, बट वो समय दे रहे हैं अपने व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम, बट वो बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा, मैंने देखा है, बच्चा अपने पापा को एक बार बात करने की कोशिश करता है कि पापा हमारे स्कूल में ये हुआ था या ये हो रहा है, तो पापा एक बार सुनता है, दूसरे बार मोबाइल में देखता है। वापस बच्चा बोलने की कोशिश करता है, पेरेंट्स वही करते, थोड़ा सुनते हैं, थोड़े मोबाइल में देखने की कोशिश करते हैं। बच्चा परेशान हो जाता है, उठ के निकल जाता है, उसको पता है कि पापा का मेरे पास ध्यान नहीं है। ऐसे बच्चे अपने से दूर होते जा रहे हैं। हम बच्चों को, हम मोबाइल को प्रायोरिटी देते हैं, हम फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं, हम बच्चों को कम प्रायोरिटी देते हैं। बच्चे अपना ही अनुकरण करते हैं। हम आजकल देखते हैं कि व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है कि एक ही घर के 5-6 मेंबर्स एक ही हॉल में बैठे हुए हैं, एक ही रूम में बैठे हुए हैं, और वो हर एक के मोबाइल हाथ में मोबाइल होता है, वो हर एक मेंबर अपने अपने हिसाब से अपना मोबाइल हैंडल करते हैं, देखते रहते हैं, कोई आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं करते हैं, कोई मेरे विचार में आपको दूं या आपसे बड़ों के विचार में लूं या मैं कुछ सीखूं, ये प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते। उनको अच्छी बातें बुरी बातें का क्या समझ आएगा, उनको कैसे पता चलेगा कि अच्छी बात क्या है, जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ या मैं मांग रही हूँ वो अच्छी है क्या मेरे लिए, ये समझाने का कार्य बड़ों का होता है, घर वालों का होता है। हम वो बिना समझाए वो चीज़ लाके बच्चों को दे देते हैं। आप समय पे उसे कहिए कि ये चीज़ अभी आप मांग रहे हो उसके लिए ये समय ठीक नहीं है। जिस वो समय भी आएगा जिस टाइम में हम खुद कहेंगे कि ये बेटा आपके लिए चीज़ सही है, जो आप मांग कर रहे हो वो चीज़ सही है, हम खुद होके आपको देंगे। आप उसको समझाने का प्रयास कीजिएगा। आप जितना समय बच्चों को देंगे उतना ही समय बच्चे बड़े होने के बाद आपको देंगे। आप ही का अनुकरण बच्चे करने वाले हैं, हमारा ही अनुकरण हमारे बच्चे करने वाले हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि बच्चे जितना समय अपने पास आते हैं सब बिजी है, मगर थोड़ा सा बिजी में से समय सिर्फ अपने बच्चों के लिए निकालिएगा। परिवार छोटे हैं, पहले के परिवार बहुत बड़े रहते थे, 8-8, 10-10 बच्चे रहते थे पेरेंट्स को। आजकल के पेरेंट्स को 1 या 2 बच्चे होते हैं, फार्मर भी पेरेंट्स हैं। ठीक है, हम जब खेत में समय दे रहे हैं, हम अपने जानवर के लिए समय दे रहे हैं, तो अपने पेट के लिए, पेट के बच्चों के लिए तो दे ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कम से कम 10 मिनट देने का आप प्रयास कीजिएगा। आपको देखिएगा कितना बेनिफिट मिलता है, आपको एक सुकून मिलेगा कि अपना बेटा या अपनी बेटी अपने से कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, वो सुन रहा है अपनी बातें, वो कुछ नया सीख रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो मैं पुनः से एक बार सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बच्चे जब अपने पास होते हैं तो थोड़ा सा उनको समय देने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप देखिएगा आप भी कितने हैप्पी रहोगे और अपना बच्चा भी अपने से कितना नज़दीक आएगा और वो भी कितना हैप्पी है, ये आप खुद भी महसूस करोगे। धन्यवाद।